नमस्कार, अभी न्यूज देख रहे हैं आप, निशा है आपके साथ और इसके साथ बुलेटिन का करते हैं आगाज। खबर की शुरुआत, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का विगुल बन चुका है। चुनाव के कुछ ही दिन बाकी है, सभी दल के प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि बुधवार को पूर्व विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस प्रत्याशी लखन घनघोरिया ने पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड में जनसंपर्क किया। उनके साथ पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोतीलाल नेहरू वार्ड में ये हमारा जनसंपर्क अभियान चालू है। घर घर जाके हम तमाम लोगों की गुजारिश कर रहे हैं, माताओं बहनों के सभी बुजुर्गों नौजवान साथियों को, कि आने वाले समय के हालात अभी से समझ लें। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो कितनी बदतर स्थिति रहेगी। देश की हर बुनियादी सुविधाओं से जनमानस वंचित है और यही कारण है कि आज एक अराजक वातावरण पूरे देश में बना हुआ है। अपने देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, गरीब मजदूरों के हित की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंके, ये आग्रह, ये गुजारिश हम हर घर में जाके कर रहे हैं और व्यापक जन समर्थन मिल भी रहा है। न केवल कांग्रेस का कार्यकर्ता बल्कि जनता निकल के हमारे इस अभियान से जोड़ रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि निश्चित रूप से कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में उन्हें कांग्रेस की सरकार बनेगी।